All right guys, welcome back to another episode of Car for Sale Simulator. तो guys, last episode में हम लोगों ने भाई बहुत ही ज़्यादा सारे जो है गाड़ियाँ खरीदी थी. हम लोगों ने लगभग $3 लाख जो है खर्च कर दिए थे और हम लोगों ने एक Porsche 930 खरीदी थी. भाई वो जो सुपर कार है ना वो एक नंबर की, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 300 पे स्टक हो जाती है. ठीक है, तो चलो गाइज, आज हम लोग जो है ना इस गाड़ी को जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है रेड कलर किया था, लेकिन इसको मैं जो है गोल्डन कलर करने वाला हूँ, लाइक गोल्ड की बनाने वाला हूँ इसको. और लेट्स सी क्या आज हम लोग जो है इस कार को जो है गोल्डन में लाइक अच्छे खासे प्राइस में उसको सेल कर पाएंगे. और इसको जल्दी हटा ले, जल्दी हटा ले उसको, नाटक ना कर भाई. मेरे को भी अब यार मतलब हद नहीं होती. हाँ रुक जा, ठंडक पा जा, रुक जा. लेट्स गो. एंड यहाँ पे अपन अपनी गाड़ी को जो है गोल्ड कलर की करने वाले का इस करंट कलर यहाँ पे फैक्ट्री कलर यहाँ पे आ चुका है. एंड लेट्स सी इसको मैं गोल्ड कैसे बनाऊँगा. ठीक है, क्योंकि थोड़ा गोल्ड किसके लिए ना थोड़ा रेडिश टाइप का भी चाहिए रहेगा. ओके, इतना ब्राइट भी चाहिए, लेकिन थोड़ा ट्राई करता हूँ एक बार पॉलिश करके इसको मेटालिक में. ये आई थिंक गोल्ड कलर वैसे सही. लेट्स सी क्या स्मूदनेस मेरे को कम करनी चाहिए या फिर मेटालिक. ओके, थोड़ा मेरे को ना इसको थोड़ा अलग कलर देना पड़ेगा ताकि इसको थोड़ा गोल्डिश बना सकूँ मैं. ठीक है, लेट्स सी, ये थोड़ा गोल्डिश लग रहा है, लेट्स गो. भाई साहब ये अपनी सुपर हो चुकी है गोल्डन कलर की, क्या लग रही है भाई, एक नंबर की गाइस. ये देख लो लाइटें वाइटें भाई. इस गाड़ी को अपन लोग जो है ना 3 से 4 लाख में सेल करने वाले. क्या मैं इसको 3 से 4 लाख में जो है सेल कर पाऊंगा गाइस, क्या लगता है. हाँ इसको मैं 4 लाख पे लगाऊंगा. ठीक है, क्योंकि अपन लोगों ने इसको लगभग 191K का कुछ खरीदा है, तो इतना तो बनता है यार, इतना बनता है भाई, इतना बनता है. हाँ इतना बनता है. उसके लाइटें वाइट ऑफ कर दे ज़रा. ओके, गाड़ी एक नंबर की लग रही है भाई, कुछ भी बोलो तुम लोग. गोल्ड कलर इसमें सूट कर रहा भाई, लेकिन एक नंबर की लग रही है. फोटो वोटो खींची थोड़ी बहुत इसकी, एंड्स को जो अपन यहाँ पे फोटो खींचते हैं एक, और बाकी गाड़ियाँ भी अपने को ना सेल पर लगानी है आज. एक तो ये हो गई एंड अपनी सुपर. हाँ एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गाड़ी कुछ ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि जो है ना वो उस तरह से चमक नहीं आ रही है इसके अंदर जो आनी चाहिए, देख रहे हो. क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, एकदम डर्टी हो रखी है भाई. अब समझ आया क्या सीन था भाई, इतनी ना काली काली से लग रही थी मेरे को लगा कुछ इश्यू होगा इस गेम के कलरों में, लेकिन नहीं, वो हमारी गाड़ी जो है गंदी हो रखी थी. ओके, इसको साफ़ कर देता हूँ मैं फटाफट से. यहाँ पे अपन ने पूरी गाड़ी को जो है लगभग साफ़ कर दिया है भाई, एक नंबर की अभी जो है गाड़ी लग रही है. देख रहे हो अब तो भाई शाइन मार रही है, लुक एट दिस गाइस, शाइन मार रही है भाई अब तो. यही तो मैं जा रहा हूँ भाई इस गाड़ी को अभी जो है सेल पे लगाने वाला हूँ. ठीक है, 4 लाख में डॉलर डालने वाला हूँ. वेब पेज खोलते हैं, Porsche 930 पे चलते हैं और इसको डालने वाला हूँ 4 लाख. ठीक है, वैसे मैं 5 लाख कर दूँ, क्योंकि यार 2 लाख के तो है ही ये, 5 लाख कर देता हूँ. लेट्स सी क्या इसको जो हम 4 से 5 लाख में कुछ भी सेल कर सकते हैं कि नहीं भाई. Porsche इसको मैं जो है नाम दे देता हूँ यहाँ पे, क्या दे रहा हूँ भाई मैं. ओके, यहाँ पे अपन एक फ़ोटो डाल देते हैं इसकी गोल्डन वाली Porsche. एक सेकेंड, फ़ोटो नहीं आई क्या उसकी गाइस? यहाँ पे हमारी Porsche की जो है ना फ़ोटो नहीं आई है भाई, पता नहीं क्या है. पर ये तो नहीं है, तो मस्टैंग थी हमारी. एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ना अपने Porsche की भाई फोटो ना आई है. लग रहा है मेरे को डिलीट करना पड़ेगा कुछ इन सबको. मैं जो डिलीट कर देता हूँ ज़रा थोड़ी सी, आई थिंक स्टोरेज भर चुका है अपने यहाँ पे. लो भाई सब डिलीट कर देता हूँ मैं, एंड अपने को दोबारा फ़ोटो खींचनी पड़ेगी. ठीक है कोई बात नहीं. यहाँ पर अपनी Porsche की अपन ने बड़ी ऐसी, अच्छा मैंने आई थी फ़ोटो खींची नहीं थी शायद से, या आई रिमेंबर नाउ. यहाँ पर डालता हूँ इसको, एंड इसको जो अपन फटाफट से वापस से डाल देते हैं Porsche 930 और इसको कर देता हूँ 5 लाख. लेट्स गो भाई. ओके ठीक है, 5 लाख कर देता हूँ इसको, 500K. हाँ ठीक है, लेट्स गो. या तो उसके से देख रहे 140, ओके मैंने सस्ती खरीदी थी, पर कोई नहीं, उसको 5 लाख में ट्राई करेंगे सेल करने की. लेट्स सी गाइस कितने जो है अपने को मिलने वाली है, कितना इसका अपने को मिलने वाला है. और जो ऑफिस में एक और BMW कूप भी अपने यहाँ पे रखी हुई है, इसकी फोटो वोटो खींचेंगे. रुक जाओ जरा सारे, अरे यार ये कौन है, कोका कोला यहाँ पे पी के फेंक इसके फेंक देता है यहाँ पे आके. हट भाई यहाँ से, अबे एक और यहाँ पे, अबे यार हद है मतलब. ठीक है इसको मैं फटाफट से फेंकता हूँ, और ना एक काम करता हूँ, अपनी जितनी भी गाड़ियाँ मैं लेकर आया हूँ ना सबको पार्क करता हूँ, सबकी क्लीनिंग करता हूँ, ताकि ना ये सारी की सारी गाड़ियाँ बिकेंगी आज. तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है गाइस, आज तो पैसा ही पैसा आने वाला भाई, तुम कुछ भी बोलो आज तो पैसा पैसा आएगा. चलो भाई इस वाली गाड़ी, इस गाड़ी को भाई मेरे को लग रहा है ना कि ऑफ रोड तो बना तो रखी है इन लोगों ने, लेकिन कुछ ज़्यादा खास है नहीं गाड़ी, लाइक ड्रिफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है वैसे तो, लेकिन पर देखते हैं. मैंने ट्राई करके देखा नहीं उसको, क्योंकि मेरे को बस स्पोर्ट्स कार चलानी है भाई, मज़ा आता है भाई उन गाड़ियों में. BMW एक सेकेंड, उसकी साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रखी भाई,
दो BMW कूप लेकर आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? अरे भाई साहब, मतलब 2 लाख तो इन्हीं से आ रहे हैं अपने, 2 लाख तो इन्हीं गाड़ियों से आ रहे हैं भाई, बाकी इनसे अलग भाई बहुत बहुत पैसा है आज तो गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा है। मेरे को सारी गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ताकि इनकी फ़ोटो खींच सको अच्छी खासी, और उसके बाद देखते हैं कि आखिर कोई कस्टमर आएगा इनको लेके भी जाएगा। आज तो भाई बहुत पैसा आने वाला है मेरे पास, कसम से बहुत पैसा आने वाला है। और ये मेरे स्किल पॉइंट का थोड़ा सीन हो जाए ना जल्दी से, तो भाई मैं एक वो पानी का अनलॉक कर लूँ भाई, देखते हैं उससे कितना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा अपना फिर। ओके ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन जो है इसको कहाँ से गंदा हो रहा है, ओके नीचे से गंदा हो रहा है, ठीक है। स्किल पॉइंट कितने चाहिए? ओके 2-3 पॉइंट और चाहिए, एक गाड़ी साफ करते हैं अपने पास पॉइंट्स आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। लेट्स गो, 3-4 पॉइंट और चाहिए। एंड यहाँ पे अपने पास स्किल पॉइंट आ गया, पानी वाले से अनलॉक करेंगे भाई, इससे करेंगे जो भी करेंगे। अब अपन यहाँ आते हैं एंड लेट्स सी, इसे चला के देखते हैं। या ऑफकोर्स इट्स फास्ट, थोड़ी बहुत फास्ट तो है भाई, ये कुछ भी बोलो फास्ट तो है, उससे वाले से तो बेटर ही है, ठीक है। यहाँ पे भाई अच्छी खासी क्लीनिंग भी अपन ने कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा अब तो, कोई काम सीन ही नहीं है। ये देखो भाई कितनी चमकने लगी है गाड़ी भाई, अरे भाई साहब तो पूरी एकदम सफ़ेद ही निकल गई इस गाड़ी के अंदर से भाई साहब। कितनी खाली हो रखी थी भाई गाड़ी, एकदम ख़राब सी लग रही थी भाई, अभी देखो भाई अभी सही में भाई कितनी बेकार लग रही थी, अभी एक नंबर की हो गई गाड़ी, चमक रही है देख रही हूँ रात में भी भाई। शीशे भी तो साफ़ करते थोड़े बहुत इसके, अभी शीशे भी साफ़ करने पड़ेंगे मेरे को ऐसे, नाइस ओके। लेकिन साफ़ नहीं हुई अभी भी, पता है क्या, अभी भी साफ़ नहीं हुई गाड़ी। रुको ज़रा थोड़ा और पानी फेंकने दो इस पर, फुहारे लगाना दो ज़रा थोड़े बहुत। क्या है, क्या कमी रह गई इसके अंदर, सब तो साफ़ कर दिया मैंने, एक सेकंड कुछ तो बचा है यहाँ पे, ये कुछ तो बचा हुआ है, मार्क नहीं आ रहा लेकिन बचा है कुछ तो। नहीं हो गया, आई थिंक हो गई है साफ़, पता नहीं, पर मेरे को यहाँ पर बचा हुआ है कुछ तो, स्किल पॉइंट नहीं मिला क्योंकि मेरे को एक चीज़ का ना डोंट टेल मी, उस गाड़ी को साफ़ करने लग रहे हैं। अच्छा ओके, इस गाड़ी को चमका देते हैं, देख लो कितनी बेकार सी लग रही है गाड़ी, अभी देखने का कलर बाहर निकल के आएगा पूरा अच्छा खासा, देखना रात भी हो गई है भाई, कितनी जल्दी रात हो जाती है, अपने को सोने भी जाना पड़ेगा गाइस। इसको फटाफट से साफ़ कर लो, जरा अपनी गाड़ियों को चमका देते हैं भाई पहले तो। वो लेट्स गो एंड अपनी पोर्च गंदी तो नहीं होगी ना भाई, अभी मुझे पता है साफ करने को मतलब नहीं, क्योंकि ना अभी देखना मैं जैसे ही अभी सोने जाऊँगा और वापस आऊँगा ना, मेरी गाड़ियाँ जो है फिर से गंदी हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ कंटेनर, तो मैंने साफ ही क्यों करी पहली बात तो। चलो यहाँ पे चलते हैं फटाफट से एंड यहाँ पे ना सोने चलते हैं पहले तो। लास्ट टाइम मैंने 3 लाख खर्च किए थे लेकिन यहाँ पे 0 दिखा रहा है, आई थिंक मेरे को ना पता नहीं ऐसा क्यों है, आई थिंक ऑलरेडी वो वाला दिन जो है ना निकल चुका है शायद से, आई थिंक सो, इसलिए अपन चलते हैं ऑफिस में क्योंकि आज कार ऑक्शन शायद से। ओके कार मार्केट तो, कार मार्केट खुला हुआ है गाइस, रुक जाओ। ओए कौन है यार ये, किसके चिल्ला है भाई, हर बार डेली का हो गया भाई, मतलब अब मेरे को साफ़ सफाई रेगुलरली करनी पड़ेगी भाई, क्या हद है यार, मतलब ऑफिस खोल लेता हूँ ताकि अपनी पोर्च के लिए भाई लोग आते रहें यहाँ पे, है ना, मेरे को रुक जाओ जरा साफ़ सफाई करने दो अपनी गाड़ियों की फिर से भाई। चलो गाइस मैं फटाफट साफ़ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ सर से, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा इसलिए। ओके तो यार यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ियों को फिर से चमका दिया और यहाँ पे जो कस्टमर्स भी आ रहे हैं भाई, लेट्स सी ये कितना देंगे मेरे को उस गाड़ी के लिए, ठीक है। 5 लाख मैंने रखा है, 250 के ये दे रहा है ना, 250 में भाई, 250 ना चले यहाँ, ठीक है, सीधा चलेगा तो 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 3 से 4, 4 से 5 लेनी है लो, नहीं तो मत लो, भागो यहाँ से, कोई सीन नहीं है भाई अपना। कितना दे रही है, 238, ना भाई ना, कोई आएगा तो मैं उसी को दूंगा जो भाई 3-4 में लेके जाएगा, नहीं तो मैं नहीं दे रहा इस गाड़ी को। इनकी कार्स की फ़ोटो खींचने दो ज़रा थोड़ी बहुत, एक इसमें डालनी है अपने को, ठीक है, एक इसमें डालनी है अपने को, ठीक है। पोर्श का तो हो गया अपना, BMW कूप के यहाँ पर डालना है अपने को, और एक ये हो गया, ठीक है। लेट्स गो, इन गाड़ियों के अंदर चलते हैं फटाफट से, कोई जो है सेल करने के लिए बैठ जाते हैं भाई, आज तो बहुत पैसा आने वाला है अपने पास, लेकिन एक बात तो है आज बहुत पैसा आने वाला है गाइस, कुछ भी बोलूँ। ये है 9,000 की, कर देता हूँ 25,000 की, ठीक है, देखी जाएगी कितने में ये लोग लेके जाएंगे इसको। ODS5 जो है, ODOD ये वाली है, इसको कर देता हूँ 40,000, देखी जाएगी भाई। BMW कूप तो भाई मैं महंगे बेचूँगा, मुझे नहीं पता, ये तो महंगी जाएगी, 80,000 की तो वैसे मिल रही है भाई, इसको 1.5 लाख कर देता हूँ, ठीक है, 1.5 लाख BMW कूप के, दोनों गाड़ियों के 1.5 लाख जाएंगे भाई, मुझे नहीं पता, दोनों महंगे जाएंगे भाई, दोनों बढ़िया गाड़ियाँ अपनी एक नंबर की। लेट्स गो, यहाँ पे भाई मैंने सारी गाड़ियाँ जो सेल पे रख दी है, और यहाँ पे कोई कस्टमर आया हो ना इससे बात करके देखता हूँ ज़रा, कितने दे रहा भाई, गोल्डन कलर है फालतू नहीं, ठीक है, गोल्ड की गाड़ी है, गोल्ड की 248 दे रहा है यार, बहुत कम दे रहे हैं लेकिन यार ये लोग ना, 248 यार बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, 140 का तो मैंने ख़रीदा है, तो मतलब मेरे को 100K का प्रॉफिट हो रहा है, ये बात मैं कह सकता हूँ,
हंड्रेड के अराउंड ना यार, 80 के का कुछ हो रहा है मेरे को प्रॉफिट ना। लेट्स सी गाइस, अपन ने यहाँ पे जो पूरा अपना कार मार्केट ओपन करके रखा हुआ है भाई, एक नंबर की बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ यहाँ पे जो अपन ने रखी हुई है। देखो भाई, दो दो BMW कूप खड़ी है अपनी, वो भी महंगी महंगी वाली है भाई। यहाँ पे एक दीदी आ रखी है, वो भी खरीदना चाहती है इस गाड़ी को, लेकिन भाई मैं खुश हूँ अपनी पोर्श भी यहाँ पे जो है अच्छे खासे प्राइस में सेल होने वाली है। पता नहीं कोई आएगा कि नहीं, इसको देखता हूँ कितने में लेगा ये राडा राज को। कितने दे रहा है भाई बता? भाई अभी ठीक करा के लाया हूँ सारी गाड़ियाँ, 11,000 बोल रहे हैं, 9,000 में 11,000 ना यार बहुत कम है। ओडी के कितने दे रही है बता? S5 है भाई, S5 मजाक नहीं है कोई, वो 40,000 बोल रहा हूँ मैं, 20,000 देने को तैयार हैं। तो तू एक काम, एक सेकंड, एक और आया ना, इससे पूछ के देखता हूँ। 20,000 वो दे रहा है, 20,000 वो दे रही है, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कम थोड़ा ज़्यादा करने की। और 20,000 ये दे रहा है, ठीक है। अरे कहाँ एक दूसरे में घुसे जा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ कुछ? ओके एंड यहाँ पे लेट्स सी ये कितना देगा, 10,000 दे रहा है। भाई निकल तू, 10,500 साढ़े पैसा लेकर और निकल यहाँ से। 40,000 ओके, 20,000 में ठीक है, मैं इसको डन करता हूँ। 25,000 या 23,000 तक मैं इसको सेल करवा देता हूँ, ठीक है। 3,000 तक तो लेट्स गो गाइस, एक गाड़ी यहाँ पर 3,000 की जो है सेल हो चुकी है। कितने दे रहा था तू बता? भाई मैं देखिए यार, भाई बात ऐसी है, 3,00,000 से कम की नहीं सेल करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो मैं ना कर रहा तेरे को, तो भाई मेरे को ऐसा कस्टमर चाहिए जो थोड़ी महंगे लेके जाए अपनी गाड़ी को, भाई सस्ते में ना सेल करूँ मैं ऐसे गाड़ियों को। तू बता कितना दे रहा है? 11,000 ना यार बिल्कुल ना। तू बता कितना दे? अरे यार ये क्यों 10,000 देने वाला है? सुन पहले फुर्सत में निकल यहाँ से, समझा गया? निकल अभी निकल, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई और आ जाएगा लेने के लिए। यहाँ दो कस्टमर और, अरे BMW के लिए भी लोग आ रखे हैं भाई यहाँ पे, पता है वो लोग भी आते हैं जो भाई सीधा मेरे को 1,50,000 दे के चले जाएंगे इस गाड़ी के लिए। देख रहे हो 1,13,000 दे रहा भाई ये, इसका मतलब 1,50,000 तक आराम से बिकेगी, 1,50,000 की आराम से बिकेगी, कसम से बता रहा हूँ। कोई तो बंदा आएगा भाई जो 1,50,000 में लेके। देख रहे हो 1,22,000, 1,22,000 कितना दे रहे हो बताओ भाई? 1,22,000 तो वो दे रहे हैं। आंटी जी बताओ कितना दे रहे हो? अरे यार आंटी जी से बात कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ से क्या कर रहा है भाई, बीच में आ रहा है। 1,08,000 दे रहा है ये ना, 1,08,000 से काम नहीं चलेगा। 1,22,000 वाले को भेज देता हूँ भाई, बहुत है। 1,07,000 दे रहा है ना, 1,20,000 ये है ना, रुको इसको सेल कर देता हूँ गाइस, इसे ट्राई करता हूँ 1,30,000 तक अगर ले लेता है तो अच्छी बात है। 1,30,000 या 1,35,000 ट्राई करता हूँ पहले। लेट्स गो, 1,35,000, लेट्स गो भाई। सो 1,35,000 में वो वाली, अच्छा वो वाली गाड़ी के लिए आया था वो बंदा भाई साहब, ये तो 1,00,000 दे रहे थे भाई उसके लिए। ओके इनसे पूछता हूँ कितना दे रहे हो भाई, एक सेकंड, पोर्श के लिए आया ना, पोर्श वाले से पहले बात करने दो भाई, अपनी गोल्ड वाली गाड़ी जो है उसको सेल तो करना है। कितना दे रही है बता? 250 नहीं यार, 250 नहीं यार, 3,00,000 तक तो करना पड़ेगा यार तुम लोगों को, मुझे नहीं पता, 3,00,000 करना पड़ेगा यार ये। 193 ना यार बिल्कुल नहीं, इतना सस्ता नहीं यार, बहुत महंगी गाड़ी है वो। अबे यार इसे ट्राई करूँगा, पूछ के देखता हूँ, 3,00,000 में अगर ये ले लेते तो ओके है। पहले 350 ट्राई करूँगा, ठीक है, बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। 350,00,000 ट्राई करता हूँ पहले, $350,000 ट्राई करता हूँ, अगर ये ले लेते तो ठीक है, नहीं 3,00,000 में लास्ट फाइनल डन करूँगा, 3,00,000 ठीक है। लेट्स सी अगर 3,00,000 में ले लेती है तो ना भाई ना बिल्कुल नहीं, निकल तू पहले फुर्सत में निकल, अब मैं गुस्सा हो गया हूँ। तुम लोग भी आए ना दर्शन हो, मेरी बात सुनो, तो अभी निकल जा भाई, डिपार्टिंग शॉर्टली क्या, तो अभी जा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, निकल तो अभी, पहले चले जाए यहाँ से। और यहाँ पे BMW इसके लिए आए ना, रुको जरा, 80,000 के लिए थी ये वाली, बल्कि ज़्यादा महंगी बिकनी चाहिए पता है क्या, वो तो 69,000 की ली थी मैंने, ये ज़्यादा महंगी बिकेगी भाई, रुक जाओ भाई, आज तो पैसा ही पैसा आने वाला है। 329,00,000 ऑलरेडी हो गए ना, डोंट सेल भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ महंगे वाले कस्टमर, समझे क्या, महंगे वाले बातचीत, मतलब महंगी बातचीत करने वालों ढूंढ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। चलो डोंट सेल, कोई आ रहा है, एक और आया भाई, कितना आया? तू ही आया था ना लास्ट टाइम भी लेने के लिए, ले जा इसको 1,50,000 में ले जा, कोई सी नहीं है, ले जा भाई 1,50,000 में ले जा, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, बार्गेन करके मैं बोलता हूँ 1,30,000 ठीक है। 1,30,000 बहुत है फिर भी, ठीक है भाई, 1,30,000 में मान गए भाई आसानी से भाई, दोनों BMW मैंने 1,30,000 की सेल कर दी। ओ माई गुडनेस ब्रो, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया भाई कसम से। तू बता कितने यार, ये बच्चा फिर से आ गया, कितने देगा बता इस गाड़ी के? 13, अरे ये सबसे ज़्यादा दे रहा है ये, ठीक है मैं करता हूँ $15,000। देख भाई 15,000 में लेनी है तो ले जा, तेरी ना मेरी ले जा, भाग के साढ़े भाग कैसे रहा है तू, पहले भाग गया भाई, भाग गया भाई, गलत बात है यार। कितने दे रहा है? 13, अरे ये भी 14,000 दे रहा है, 15,000 तेरे को दे रहा हूँ, ले जा तेरी ना मेरी ले जा, तेरी ना मेरी ले जा। आई होप यू ओके, लेट्स गो भाई। अभी हमारी सारी सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे सेल हो चुकी है भाई, लेकिन हमारी पोर्श
अभी भी नहीं बिकी है और अभी हमारे पास में $4,74,000 हो चुके हैं। अगर ये गाड़ी 2-2.5 लाख में बिकती है तो भाई हमारे पास में छः साढ़े छः लाख तो डॉलर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी यार 3 लाख में बिके, ठीक है, क्योंकि यार अगर 140 की कार है तो इतने तो बिकनी चाहिए यार। वैसे मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा खासा प्राइस दे रहे हैं वैसे इस गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो। आई नीड टू थिंक, ठीक है ट्राई करता हूँ एक और बार से पूछने की। मैं 280 कर ले, 280 यार थोड़ा वो हो जाएगा पर कर ले, 280 तक चलेगा यार। Boys, let's go, अपन ने 280 लाख की वो वाली गाड़ी भी सेल कर दी भाई पोर्श का, तो भाई मजा ही आ गया। एंड हम लोग कार मार्केट तो ओपन है, वैसे रहने देता हूँ, कार मार्केट जाके क्या करूँगा, अभी फिलहाल मैं गेम सेव करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस आज अपन लोगों ने हमारी गोल्डन कार को जो है उसको भी सेल कर दिया है फाइनली। एंड अपन ना भी फटाफट से जो है नेबरहुड पे जाने वाले हैं क्योंकि मेरे को एक बार चेक करना है अगर नेबरहुड में भाई अपने को कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कार मार्केट में जरूर जाएंगे, तो उससे पहले मैं एक बार नेबरहुड में चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर ढंग की कार मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि भाई अपन ना नेक्स्ट एपिसोड में जो है एक सुपर कार तगड़ी वाली खरीद के लेकर आने वाले हैं। लैम्बो तो आराम से आ जाएगी, लैम्बो तो ऐसे हमारे हाथों में दौड़ेगी भाई, सीधी सीधी सी बात है। अब तुम चैलेंज दो भाई, कौन सी गाड़ी खरीदनी कौन सी नहीं खरीदनी, तुम्हारा भाई सारी गाड़ियाँ खरीदेगा। $7 लाख होगा भाई तुम्हारे भाई के पास, मिलियन में पहुँचेंगे जरूर अपन, लाइक जल्दी पहुँच जाएंगे भाई, अब तो कोई सीन है नहीं इतना। लेकिन यहाँ पे सारी के सारी बेकार गाड़ियाँ है। ये वाली कौन सी कार है यार, ये बेकार वाली गाड़ियाँ मुझे खरीदनी सही है मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट तो लगता है नहीं। अगर ये BMW कूप है तो मैं खरीद लूँगा, नहीं BMW कूप में ना यहाँ पे एक एरो सा बना हुआ है तो ये तो BMW कूप है नहीं। मतलब BMW कूप, ओए एक सेकंड सामने ओडी खड़ी हुई, कहीं इसको मैंने कैसे मिस कर दिया भाई, एक सेकंड भाई जी, मर्सिडीज है, ओडी ओडी लग रही है, लेट्स सी ओडी कौन सी, S5 है, S5 16,000 की दे रही है, ज़्यादा वो भी नहीं है यार, बढ़िया है। एक्सपर्टी से बात करके देखता हूँ एक बार, मैं इसका जो है स्पेशल आईडी चेक करता हूँ एक बार मैं, और देखते हैं क्या करिए इसमें क्या क्या ख़राबी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना फेक रिपोर्ट दे रही है मेरे को। अरे यार पता नहीं गाइस मैंने, ओके रुको मैंने ना चेक नहीं करा अच्छे से, ये देख रहे हो TCS नहीं लगा हुआ इसके अंदर, टर्बो भी नहीं लगा हुआ, कह रही है कि ये सब लगा हुआ है। चलो ठीक है, सब बार्गेन करता हूँ, 15,000 किसने कर दिया 16,000 से, बोलता हूँ 13,000 में दे दे, रिपोर्ट मार दूंगा तेरी, $13,000 में दे दे शांति से, लेट्स गो, अपने पास ODS5 भी आ चुकी है। चलो एटलीस्ट हमारे पास में एक कार तो हो गई है कि हाँ भाई चला सके, उसके टायर देख रहे हो कितने बेकार से लगा रखे इसके अंदर भाई, और इतनी महंगी बेच रही थी वो, अभी देखना गाइस को इतनी महंगी गाड़ी करके सेल करूँगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा। लेट्स गो भाई, गाड़ी की स्पीड तो ठीक ठाक है, मतलब हमारी रेसिंग कार से ज़्यादा फास्ट तो यही कार से भाई यो। अरे यार शीश मैन, ओहो हो हो, नहीं, नहीं, सीन हो गया गाइस, सीन हो गया वो गाड़ी पूरी के पूरी पलट चुकी है भाई, मैं क्या बताऊं गाइस, लेट्स गो। अभी अपन जो है ना इसको भाई रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी कम लाइक भारी भरकम वाला नुकसान होगा, नहीं तो मेरे को इसको सेल करना पड़ेगा अच्छे खासे प्राइस में। $739 हो चुके हैं, तो उसका मतलब तुम्हें पता ही है कि अपन जो अब कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, और तो और मैं अपने ऑफिस को भी अपग्रेड कर सकता हूँ साथ साथ में, पता है क्या यार इनको ना ऑटोमेटिक करना चाहिए वाला काम, ये थोड़ा गलत कर रखा है यार, कर दिया उसको रिपेयर भाई, रिपेयर पर रख दियो गाइस, अपन ने गाड़ी को तो रिपेयर पर रख दिया यहाँ पे। एंड कार मार्केट जो है अभी ओपन है, मैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में जो इसको कंटिन्यू करूंगा और कार मार्केट जाएंगे। लेकिन गाइस यार यहीं पे जो है अभी रात हो चुकी है भाई, इतना गलत सीन है ना भाई, मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग सुबह आके चेक करें कि क्या पता कार मार्केट खुला हो या फिर कार ऑक्शन खुला हो, ठीक है। कार ऑक्शन बहुत ज़्यादा रेयरली खुलता है, कार मार्केट में मुझे लग रहा है जैसे बहुत रेयरली खुलता है। एंड भाई यहाँ पे अपने को देख रहे हो क्या तुम लोग, $5,70,000 का यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ है भाई, $5,00,000 का। अरे भाई मतलब स्पोर्ट्स कार लेने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है भाई, मतलब इतनी महंगी बिकती है सीधा, मज़ा आ गया गाइज। और यहाँ पे आज 12 बजे जो है ऑक्शन भी शुरू होने वाला है, एंड हमारी गाड़ी जो है वहाँ पे अभी भी जो है रिपेयर हो रही है, इन लोगों ने पता नहीं सो रिपेयर किया है कि नहीं अभी तक, क्या कर रहा भाई तू, रिपेयर क्यों ना कर रहा, ओके रिपेयर हो रही है। वेल गाइज चलो गाइज आज के एपिसोड को इतना ही रखते हैं, और मेरे ऑफिस में फिर से पता नहीं किसी ने कचरा फेंक दिया है। आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।